अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप हजरात खैर आफियत से होंगे। आज हमारे शो इस्लामिक सवाल व जवाब में आपका खैर मकदम है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। आइए सवालात की तरफ चलते बिला किसी ताखिर के। सवाल है, क़यामत के दिन ज़मीन को किस चीज़ का बना दिया जाएगा? अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ए पीतल का, बी सिल्वर का, सी तांबे का। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका जवाब है सी तांबे का। सवाल नंबर दो, बरोज़े क़यामत सूरज कितना ऊंचा होगा? बरोज़े क़यामत सूरज कितना ऊंचे होगा? ए 15 मीटर, बी 1 मील, सी 20 फीट। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका जवाब है 1 मील। बरोज़े क़यामत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद हमारी सिफारिश कौन करेगा? ए रोज़ा और कुरान, बी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका जवाब है ए रोज़ा और कुरान। बरोज़े क़यामत सबसे पहले किस इंसान को जहन्नम में डाला जाएगा? ए काबिल को, बी फिरौन को, सी क़ारून को। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका जवाब है ए काबिल को। क़यामत के दिन सबसे पहले किस इंसान की कब्र खोली जाएगी? ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सी हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम की। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका जवाब है ए हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र सबसे पहले खोली जाएगी क़यामत के दिन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर कौन सी मखलूक आबाद थी? ए जिन्नात, बी शयातीन, सी जानवर। इसका क्या जवाब है? अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका जवाब है जिन्नात। अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले कबूतर पाले? अल्लाह ताला के सबसे पहले कौन से नबी हैं जिन्होंने कबूतर पाले? इसका जवाब मुझे भी नहीं पता। चलो देखते हैं इसका जवाब क्या है। इसका जवाब है बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अब चलिए आगे चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सवाल है कि आप जानते हैं कि आसमान पर शैतान का पहला नाम क्या था? ए इजाजील, बी इबलीस, सी मलऊन। क्या आप जानते हैं? जानते हैं तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी करिए। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। ए इजाजील, इजाजील। क्या आपको मालूम है कि फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या है? जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या है? जवाब है अब्दुल्ला। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाने का सरदार किस चीज़ को कहा है? ए शहद को, बी कद्दू को, सी नमक को। नमक को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमक को खाने का सरदार कहा। अब आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नानी का नाम क्या था? ए हलीमा, बी बर्रा, सी आमिना। और आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। उनके बाद नानी का नाम बर्रा था। सवाल है, सबसे पहले किस नबी को जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा? ए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा। अब आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले कौन से नबी खोलेंगे? ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम,
सी हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खोलेंगे। अब आइए तीसरे सवाल, इसके बाद दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। इस्लाम में अपनी बीवी को मनाने के लिए कौन सा गुनाह करना जायज़ है? ए रिश्वत लेना, बी चोरी करना, सी झूठ बोलना। बड़ा मज़ेदार सवाल है, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस्लाम में अपने बीवी को मनाने के लिए कौन सा गुनाह करना जायज़ है? रिश्वत लेना, चोरी करना, झूठ बोलना। इसका जवाब है सी, झूठ बोलना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी कौन सी है? ए करेला, बी कद्दू, सी बैगन। इसका सही जवाब क्या है आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सही जवाब है कद्दू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी कद्दू है। अब चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सा गुनाह करने वालों के पेट कयामत के दिन बड़े बड़े होंगे? हराम खोर, बी सूद खोर, सी चुगल खोर। कौन कौन से गुनाह करने वालों के पेट कयामत के दिन बड़े होंगे? हराम खोर, सूद खोर, चुगल खोर। इसका जवाब है ए हराम खोर। हराम खाने वालों के पेट कयामत के दिन बड़े होंगे। जब काफिर जब जहन्नम में जाएंगे तो किस जानवर की आवाज़ में रोएंगे? काफिर जब जहन्नम में जाएंगे तो किस जानवर की आवाज़ में रोएंगे? ए कुत्ते की आवाज़ में, बी खिंजीर की आवाज़ में, सी गधे की आवाज़ में। सही जवाब है सी गधे की आवाज़ में। काफिर कयामत के दिन जब जहन्नम में जाएंगे तो गधे की आवाज़ में रोएंगे। दुनिया में सबसे पहले पुलिस का निज़ाम किसने मुतारिफ़ करवाया? ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक, बी हज़रत उस्मान गनी, सी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका जवाब है सी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया में सबसे पहले पुलिस का निज़ाम मुतारिफ़ करवाया। अब आइए इसके बाद वाले सवाल की तरफ चलते हैं। दुनिया में सबसे पहले पुलिस, ये तो हो गया। कुरान पाक का नाम कुरान किसने रखा? ए अल्लाह तबारक व ताला ने, बी हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कुरान पाक का कुरान नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा। अब आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सा परिंदा रमज़ान के महीने में मुँह छिपा कर पानी पीता है ताकि रोज़ेदार को तकलीफ़ ना हो? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ए शाहीन, बी तोता, सी अबाबील। कौन सा परिंदा है जो रमज़ान के महीने में मुँह छिपा कर पानी पीता है ताकि रोज़ेदार को तकलीफ़ ना हो? ए शाहीन, बी तोता, सी अबाबील। इसका जवाब है सी अबाबील। वो कौन सी सब्ज़ी है जिसको खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है? ए आलू, बी टमाटर, सी प्याज। आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो आप देख रहे हैं लाइक भी कीजिए, आपसे गुजारिश है वीडियो देख रहे हैं तो लाइक भी कीजिए। वो कौन सी सब्ज़ी जिसे खाने से आँख की रोशनी बढ़ती है? वो सब्ज़ी है टमाटर। मुल्ज़िम को